प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कन्या के विवाह में हो रहे विलंब का अचूक उपाय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस उपाय को कर लेने मात्र से कन्या के विवाह में चाहे जैसी भी बाधा उत्पन्न हो रही हो, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि कुंडली जनित कोई बाधा है वह भी दूर हो जाएगा, ग्रह जनित कोई बाधा है वह भी दूर हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली बनी है, आपको मालूम है कि कुंडली में कोई दोष है और विवाह में विलंब हो रहा है, वह भी दूर हो जाएगा। यदि कुंडली नहीं बनी है, आपको कोई ज्ञात ही नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है, यदि कुंडली बनेगी ही नहीं, कुंडली बनी ही नहीं होगी तो आपको ज्ञात ही नहीं होगा, ऐसी स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और आपके विवाह में हो रहे विलंब को दूर कर सकते हैं। इसमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, आइए सबसे पहले उन सामग्रियों को देख लेते हैं। रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप बत्ती, दीपक, माचिस, सरसों तेल, कमल गट्टे की माला, गोमुखी, पीले रंग का प्रसाद, लड्डू ले सकते हैं बेसन का पीले रंग के प्रसाद में, केले के सूखे पत्ते का बना हुआ आसन और पान। अब इसे करना कैसे है? माता कात्यायनी के मंत्र का 41,000 पुरस्चरण होता है, अर्थात 41,000 बार उस मंत्र का जाप करना होता है। उसके बाद उसका दशांश हवन करना होता है। दशांश हवन के उपरांत ब्राह्मण भोजन अथवा कन्या भोजन कराना होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण मिल जाए तो भी ठीक है, कन्या कन्या मिल जाए तो भी ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 की संख्या में आप भोजन करा सकते हैं। लेकिन इसका विधान क्या होता है? 41,000 मंत्र जाप एक दिन में नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि यदि जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है वह कन्या खुद करना चाहे तो विधान क्या होता है। यदि वह कन्या नहीं कर पा रही है तो किसी योग्य आचार्य ब्राह्मण से भी करा सकते हैं, उसका विधान भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले वह विधान बताता हूं जिसमें कन्या को स्वयं करना है। यदि कन्या स्वयं करती है तो उसे 21 दिनों में यह पुरस्चरण पूर्ण करना है। 21 दिनों में 41,000 की संख्या पूर्ण करनी है। नित्य प्रातःकाल गीली मिट्टी से कात्यायनी माता की एक छोटी सी मूर्ति बनानी है। मूर्ति को आप अपने अनुसार पे स्वरूप दे सकते हैं, कात्यायनी माता का स्वरूप उस पर दिखने लगे। उस मूर्ति को केले के नीचे स्थापित करके वहीं केले के पत्ते का आसन बिछा करके बैठ जाएं और पहले दिन में 1,000 मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप से पहले कात्यायनी माता का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन क्या होता है उसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप पंचोपचार पूजन समझ सकते हैं। कात्यायनी माता का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन के पश्चात आपको मंत्र जाप प्रारंभ करना है। जिस समय आपको मंत्र जाप प्रारंभ करना है उस समय ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक आप जला करके रखे हैं वह दीपक बुझना नहीं चाहिए। पहले दिन में 1,000 मंत्र जाप करना है और दूसरे दिन से 2,000 मंत्र जाप करना है, तो 20 दिन में 40,000 मंत्र पूरा होगा और पहले दिन में 1,000 मंत्र पूरा हुआ। इस तरह से 41,000 मंत्र पूरे हुए। इसमें ध्यान रखिएगा, माला में 108 दाने होते हैं लेकिन उसे 100 की गिनती गिननी चाहिए, 8 को भूल चूक में छोड़ देना चाहिए। तो पहले दिन 10 माला, दूसरे दिन से लेकर के 21वें दिन तक 20-20 माला आपको जाप करना है। इस तरह से 41,000 मंत्र पूर्ण करने के बाद 21वें दिन किसी योग्य आचार्य को बुला करके इसका दशांश हवन कराना है। यदि आप इसे करने में समर्थ नहीं हैं तो किसी योग्य आचार्य को बुलाइए। आचार्य 3, 5, 7 हो सकते हैं, उन्हें बुलाइए और 3 दिन अथवा 5 दिन में यह अनुष्ठान पूर्ण कराइए। इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चाहे स्वयं करें चाहे आचार्य के माध्यम से कराएं, जो भी इस मंत्र का जाप करे, मंत्र जाप के समय पान चबाते हुए इस मंत्र का जाप करना होता है। मुंह में पान होना चाहिए और मंत्र का जाप प्रारंभ होना चाहिए, तभी यह फलदायी होगा। इस अनुष्ठान को प्रारंभ कब करना है? इस अनुष्ठान को प्रारंभ करने के लिए यदि आप ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा प्रारंभ कराना चाहते हैं, उनके माध्यम से इस अनुष्ठान को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो उनसे आप जाकर के समय ले लीजिए। वे एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके आपके यहाँ यह अनुष्ठान बैठा देंगे और अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। लेकिन यदि कन्या खुद करना चाह रही है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। उसे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका पीरियड कब आया है। पीरियड के 7 दिन तक वह अशुद्ध मानी जाती है। उस 7 दिन के बाद वह यह देखे कि रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र कब आ रहा है। यदि सोमवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार को पड़ जाए तो अति उत्तम है। इसके अलावा कोई भी शुभ मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, यह सब देख लीजिए। जिस भी दिन यह मुहूर्त आ जाए उस दिन से प्रारंभ करके 21 दिन तक लगातार यह मंत्र जाप करके 21वें दिन इस व्रत का, इस अनुष्ठान का समापन करना होगा। यह एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिसके करने मात्र से अधिक 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने के अंदर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी कन्या का विवाह कहीं न कहीं तय हो जाएगा और उसका सुखी जीवन व्यतीत होने लगेगा। अब कात्यायनी माता का वह मंत्र जिस मंत्र का जाप करना है वह भी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवे पतिम मे कुरुते नमः। आपके स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई दे रहा है। इसी मंत्र का 41,000 पुरस्चरण पूर्ण करना है। इस उपाय के बारे में एक बात और बता देता हूं। यदि किसी का विवाह हो चुका हो और वह कन्या ससुराल में जाकर के अत्यंत परेशान हो रही हो, पति से प्रताड़ित हो रही हो, सास ससुर से प्रताड़ित हो रही हो, तो वह भी इस अनुष्ठान को पूर्ण करे। इससे निश्चित रूप से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, घर परिवार में उसे मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने किसी कन्या के विवाह में हो रहे विलंब के उपाय के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यह उपाय सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही लागू नहीं होता है। आप चाहे जिस भी धर्म को, जिस भी समुदाय को मानने वाले हो, इस उपाय को करिए, आपका विवाह निश्चित रूप से तय हो जाएगा। आपके विवाह में हो रहे विलंब दूर हो जाएंगे, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही होंगी सारी बाधाएं कट जाएंगी और आपका विवाह निश्चित रूप से अच्छे परिवार में हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने कात्यायनी अनुष्ठान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपके घर में कोई कन्या है जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो तो आप इस उपाय को करिए, निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। यदि यह उपाय करने के बाद आपको लाभ प्राप्त होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता कात्यायनी, जय जय गुरुदेव।